जिला प्रशासन, नगर निगम भिलाई एवं भिलाई स्टील प्लांट के संयुक्त तत्वाधान में सिविक सेंटर के मॉन्यूमेंट पार्क में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और नुक्कड़ नाटक एवं सुरमई शाम का आयोजन कर मतदाताओं को 100% मतदान के लिए जागरूक किया। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन, नगर निगम भिलाई एवं भिलाई स्टील प्लांट के संयुक्त आयोजन से सेंट्रल एवेन्यू भिलाई में मानव श्रृंखला बनाई गई। सिविक सेंटर में सुरमई शाम का आयोजन किया गया, जिसमें भिलाई के ख्याति प्राप्त कलाकार प्रभंजय चतुर्वेदी, महुआ मोहित्रा, लाभचंद्र आरिफ, अंकित तिवारी, विकास उपाध्याय की नुक्कड़ नाटक टीम ने नाटक प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन की तरफ से जोगेश्वर कौशल, भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से उच्च अधिकारी इस आयोजन में मौजूद रहे, तो वहीं नगर निगम भिलाई की तरफ से जोन कमिश्नर पूजा पिल्ले एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मेरा कहने का मतलब है आगामी 17 नवंबर को 100% मतदान करें। आगामी 17 नवंबर को 100% मतदान करें। आगामी मतदाता जागरूकता अभियान जिला प्रशासन, नगर निगम भिलाई और भिलाई स्टील प्लांट द्वारा कल ही चालू किया गया था। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा कि भिलाई स्टील प्लांट ने एक मानव श्रृंखला बनाई मुर्गा चौक से लेकर अपने प्लांट तक। दूसरा शाम को कार्यक्रम हुआ कि वहाँ पर जो मोनूमेंट है सिविक सेंटर में, वहाँ पर भिलाई के जितने भी आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट, सब लोग आकर के जनता से अपील किए। उसमें माननीय प्रभंजय चतुर्वेदी थे, भास्कर थे और अंकित तिवारी थे और साथ में जिला प्रशासन से भी लोग थे, आरिफ था। तो ऐसे सभी लोग मिल करके एक आह्वान किया पब्लिक से, जनता से, नुक्कड़ नाटक भी खेले कि आगामी आने वाला चुनाव जो है 17 नवंबर को हम सब घर से बाहर निकलें, 100% मतदान करें, खुद भी मतदान करें, लोगों को प्रेरित करें। एक कंटिन्यू अभियान चल ही रहा है। इस बार सब लोगों ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसके दर्शक हैं सब इस अभियान में जुड़ जाएँ। मैं विनम्रतापूर्वक बोल रहा हूँ, इस अभियान से आप लोग जुड़ो, 100% मतदान करो और फिर जो है लोकतंत्र का सम्मान करो, इसी उद्देश्य के साथ। इस आयोजन में उपस्थित सभी लोगों ने 100% मतदान करने का संकल्प लिया और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से अपील की वे भी 17 नवंबर को जाएं और पहले मतदान करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।